नमस्कार मित्रों, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी लोकतंत्र में जो तीन प्रमुख आर्गन होते हैं, लेजिस्लेशन यानी जिसे हम विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूशन जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी, इन तीन के अलावा डेमोक्रेसी में एक चौथे स्तंभ के रूप से मीडिया को भी जाना जाता है। यानी कानून बनाने वाला ऑर्गन विधायिका, कानून को लागू करने वाला ऑर्गन एग्जीक्यूशन यानी कार्यपालिका, और कानून का इंटरप्रिटेशन करने का जो ऑर्गन है वो है न्यायपालिका। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र यानी एक ऐसा तंत्र जो जनता से बना हुआ तंत्र है और जनता की अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला ये जो माध्यम है, इसी को ही मीडिया कहा जाता है, और मीडिया अथवा प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मीडिया और कानून का आपसी संबंध। सो टुडेज टॉपिक इज मीडिया एंड लॉ। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉ इजी में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लॉ, दैट इज मीडिया एंड लॉ, जिसे हम मीडिया और कानून अथवा मीडिया और विधि भी कहते हैं। अब मीडिया है क्या? मीडिया इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हम सभी को पता है कम्युनिकेशन मतलब संचार, यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे संचार कहा जाता है। लेकिन यही संचार यदि जन संचार मतलब जनता में अपनी बात को पहुंचाना, यानी एक व्यक्ति कह रहा है और इधर से हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी जन संचार। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मन की बात करते हैं रेडियो से, तो इधर से मोदी जी जो है इकलौते जो करोड़ों लोगों से चर्चा कर लेते हैं, तो ये होता है जन संचार। तो ये जन संचार में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन की, जन संचार की। तो जन संचार से तात्पर्य होता है कि इंफॉर्मेशन को, न्यूज को आम जनता तक पहुंचाना, ये मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं, यानी सूचना ही नहीं, बल्कि नॉलेज, न्यूज, किसी प्रकार की जानकारियां, किसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें और विचार, तो इन विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है। वैसे हम नॉर्मली जब मीडिया की बात करते हैं तो हर व्यक्ति मीडिया के लिए प्रेस समझता है, तो सिर्फ प्रेस ही शामिल नहीं होता है मीडिया में। मीडिया में टेलीविजन भी इंक्लूड है, मीडिया में रेडियो भी इंक्लूड है, और इवन सोशल मीडिया जिसे हम आजकल फेसबुक, ट्विटर, इनसे जो उपयोग करते हैं, जिससे फेसबुक और ट्विटर से भी हर व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति को जानकारी मिलती है, तो ये सब मीडिया में आ जाती है, ये सब मीडिया के फॉर्म्स हैं। तो मीडिया इंक्लूड्स प्रेस, टीवी, रेडियो, मैगजीन, और इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अब यदि हम मीडिया को क्लासिफाई करें तो तीन प्रकार से मीडिया है। एक है प्रिंट मीडिया, नाम से स्पष्ट है, प्रिंट मीडिया जो छपती है, छपना वाला मतलब न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गया, पैम्पलेट हो गए, तो ये प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स वगैरह शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब आते हैं। टेलीविजन, रेडियो, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ये भी मीडिया का फॉर्म है। और अभी वर्तमान में डिजिटल मीडिया यानी जिसे हम इंटरनेट या नेट मीडिया भी कहते हैं, तो डिजिटल मीडिया जिसमें सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, जो वायरलेस है, जिसमें वायर नहीं लग रही है, जैसे इंटरनेट के इस्तेमाल से हम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप से जो उपयोग कर रहे हैं, और इसमें सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड है। अभी जितने भी मीडिया के जो रूप हम लोगों ने देखे, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, ये सारी ये जो मीडिया है, दीज आर यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, यानी इससे नॉलेज यानी ज्ञान आपस में एक्सचेंज होता है, यानी आपस में एक अदला बदली होती है ज्ञान की, इंफॉर्मेशन जाता है, इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारित करने का एक माध्यम होता है मीडिया। इसके अलावा ओपिनियंस यानी व्यक्ति के जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उन थॉट को भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आप सभी को पता है लोकतंत्र में सरकार अपनी नीतियां हैं जनता तक पहुंचाती है, विपक्ष जो है अपोजिशन पार्टी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाता है, तो ये मीडिया का ही सहारा लिया जाता है, तो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यदि कानून की बात करें, चूंकि आज का जो विषय है वो है मीडिया और कानून, तो कानून का मीडिया में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको सभी को पता है कि संविधानिक अधिकार है हम सभी का, भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को एक आजादी दे रखी है, इसका नाम है वाक अभिव्यक्ति की आजादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार तो ही सही, मौलिक अधिकार भी है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, इवन यदि वो उसे किसी बात का विरोध है, यदि उसे किसी बात से आलोचना भी प्रस्तुत कर सकता है, विरोध भी कर सकता है, यानी किसी बात से वो सहमत नहीं है तो असहमति का भाव भी वह उत्पन्न कर सकता है,
तो ये प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है और इस अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना हमारी सरकार की ड्यूटी है। यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की या कोई भी सरकार किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगाएगा। और यही 19(1)A ने राइट टू प्रेस भी दे रखा है, इसी में ही राइट टू प्रेस आ गया। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल है। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून है संविधान, उसने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार हो चुका है। और चूंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, मतलब लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपने ओपिनियंस, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी होती है, अपने थॉट्स यानी उसके जो भी बातें हैं वो एक्सप्रेस कर सकता है। इवन प्रोटेस्ट, यानी यदि वो किसी बात से खुश नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कोई विरोध करता है, आलोचना करता है, सरकार की नीति की आलोचना करना भी प्रत्येक व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार कर सकता है। उसके थॉट पर यानी उसके विचारों पर को कुचला नहीं जा सकता है, उसके विचारों को रोक नहीं लगाई जा सकती है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि अधिकार एब्सोल्यूट है, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। यानी एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण अथवा आंत्यतिक अधिकार नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार नहीं कर सकता है कि अन्य व्यक्ति को गाली देना, कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं रखना, दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखना। क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला, समाज में डिसहार्मोनी फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करेगा? तो इन आधारों पर रोक भी लगाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में 8 ग्राउंड्स बताए गए, उन 8 ग्राउंड्स पर सरकार रोक भी लगा सकती है। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी इस प्रकार की नहीं हो कि न्यायालय की कंटेम्प्ट करे, कोई व्यक्ति न्यायालय का अपमान करे, किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करे, डिफेमेशन करने का अधिकार नहीं है। ऑब्सिनिटी यानी सदाचार या नैतिकता के खिलाफ बोले, अश्लीलता का प्रदर्शन करे, स्टेट सिक्योरिटी राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोलने लग जाए, या कॉपीराइट किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का वॉयलेशन करे, यानी दूसरे का राइट को, दूसरे के क्रिएशन को अपना बताकर उपयोग करे, प्राइवेसी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी यानी एकांतता या निजता का हनन करे, या सोशल इंटरेस्ट समाज में दंगे भड़काए या सामाजिक हित के प्रतिकूल बात करे, अथवा साइबर क्राइम या कोई साइबर क्राइम करे, तो इन आधारों पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लग सकती है, बंदिशें लग सकती है। इसीलिए कानून का इंटरफेरेंस इन सभी जगहों पर जरूरी है। आज यदि हम मीडिया और लॉ की बात कर रहे हैं, तो मीडिया और लॉ में कौन कौन से कानून हैं जो मीडिया एंड लॉ से संबंधित हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस मीडिया लॉज, यानी विभिन्न मीडिया कानून की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे अधिवक्ताओं का अपेक्स बॉडी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अधिवक्ताओं के लिए रूल्स बनाती है, डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रेस में कोई व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापे, वल्गैरिटी ना करे, ऑब्जेक्शनेबल चीजें ना छापे, देश की सुरक्षा के खिलाफ बातें ना करे, तो प्रेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1978 में। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इनकी अपेक्स बॉडी होती है जो प्रेस पे कंट्रोल करती है। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, जो वर्किंग यानी कामकाजी जो पत्रकार है, कामकाजी पत्रकारों की कंडीशन ऑफ सर्विस से संबंधित एक कानून बन चुका है, जो कामकाजी पत्रकारों की सैलरीज और उनके सेवा शर्तों से कनेक्टेड है, ये 1955 का कानून है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर है, यानी न्यूज पेपर को यदि आपको चलाना है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर एक्ट 1956। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, ये बहुत पुराना कानून है, यानी प्रेस के रजिस्ट्रेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट लॉ है। द न्यूज पेपर प्राइस एंड पेज एक्ट 1956, कितना प्राइस होना चाहिए न्यूज पेपर का, कितने पेजेस होना चाहिए, उसके बारे में एक्ट 1956 का है। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट, आप सभी लोगों ने देखा होगा, केंद्रीय सेंसर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी मूवी या कोई भी सीरियल जब छपता है तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड उसे देखता है। सेंसर बोर्ड के सदस्य यदि कोई आपत्तिजनक सीन देखते हैं तो उसे वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसमें से हटा देते हैं। तो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट ही होता है जो ए सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट्स वगैरह देता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई की, आप सभी लोगों ने देखा हो, टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, टेलीविजन पे भी कुछ आपत्तिजनक विज्ञापन या आपत्तिजनक कोई यदि सामग्री वाला कोई सीरियल आता है तो उसके खिलाफ भी ट्राई एक्ट बनाया हुआ है, इसका नाम है टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997। तो इतने सारे कानून हैं जो मीडिया को रेगुलेट करते हैं, यानी मीडिया एंड लॉ, इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है और मीडिया और कानून अपना अपने हद में रहकर काम करते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी को भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ लोगों की प्राइवेसी, देश की सुरक्षा, इनका भी ख्याल रखना है।
इसीलिए दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए मीडिया और लॉ एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभर रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।